हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा रॉकस्टार स्पिन इवेंट आया है उसके अंदर क्या क्या चीजें हमको मिल रही है। और मुझे खास पता चला है कि उसके अंदर हमको 100 डायमंड्स मिल रहा है। ठीक है, तो 100 डायमंड हम कैसे ले सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। एक सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा कि आपको 100 डायमंड कैसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। और गाइस, इस इवेंट का नाम है रॉकस्टार स्पिन इवेंट। और इसी के साथ हमारा एक नया वेपन रॉयल आ गया है जो है M4A1 स्किन का, जो हमारे लॉबी में पड़ी है M4A1 बीचों बीच। वैसे ही हमको M4A1 यहाँ पर देखने के लिए मिल गई है, तो एक जो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, इसके अंदर एक्यूरेंसी प्लस है और रेट ऑफ फायर डबल प्लस है और स्पीड माइनस है। तो स्पीड चाहिए हमको, मतलब कि आप जब गन लेके हाथ में दौड़ोगे तब आपका स्पीड थोड़ा सा माइनस हो जाएगा, तो बहुत ही बुरी बात है। अगर आपको एनिमी के साथ फाइट कर रहे हो तब M4A1 ही आपके पास हो तो ये बिल्कुल भी बेकार गन है। तो इससे अच्छा तो आप वेनम M4A1 ही चला लो जो हमको फ्री में मिली थी दिवाली लूडो इवेंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर अभी तक ये वाला इवेंट ऐड नहीं हुआ जो मैं आपको बता रहा था रॉकस्टार स्पिन करके, अभी तक यहाँ पर ये वाला इवेंट ऐड नहीं हुआ है। और स्टोर के अंदर भी देख लेते हैं स्टोर के अंदर आया है कि नहीं, अगर नहीं आया हो तो री लॉग इन करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो अभी मैं आपको गाइस री लॉग इन करके दिखाता हूँ कि आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा अगर आपके अंदर भी नहीं देखने के लिए मिलता है। जैसे आप री लॉग इन करोगे आपको यहाँ पर शुरुआत में ही पोस्टर देखने के लिए मिल जाएगा। और ये इवेंट चलने वाला है 29 नवंबर तक ये वाला इवेंट चलेगा। और इसके अंदर दो ग्रैंड प्राइजेस रखे गए हैं, एक ये वाला बंडल और इसी के साथ 100 डायमंड्स। तो 100 डायमंड्स हमको चाहिए, बंडल आपको चाहिए कि नहीं चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। तो 100 डायमंड कैसे आप ले सकते हो वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। ये वाला इवेंट चलने वाला है 23 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक। आपको चूज वन स्पिन करना है, 10 स्पिन करना है, वरना वन स्पेशल स्पिन करना है। आपको यहाँ पर 3 चूज करने का मौका मिलेगा, इसमें से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो। अगर आपको सिंगल स्पिन मारना हो तो भी आपको वही चीज़ मिलेगी, अगर स्पेशल स्पिन मारोगे तो भी आपको वही चीज़ मिलेगी। इससे अच्छा है आप स्पेशल स्पिन ही मारो। अगर आपके पास डायमंड की कमी नहीं है तो आप स्पेशल स्पिन भी मार सकते हो। स्पेशल स्पिन का फ़ायदा क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ये रूल्स पढ़ने के बाद मैं आपको स्पेशल स्पिन का फ़ायदा बताऊंगा। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी आइटम यहाँ पर से डुप्लीकेट मिलती है तो वो FF टोकन में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो वन स्पेशल स्पिन मारोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो 3 स्पेशल स्पिन लगातार मारोगे तो आपको कोई भी एक ग्रैंड प्राइज तो ज़रूर मिलेगा। ठीक है, 3 स्पेशल स्पिन के आगे आपको एक ग्रैंड प्राइज देखने के लिए मिल जाता है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको डायमंड चाहिए तो डायमंड आपको आसानी से मिल जाएगा इसके अंदर। और गाइस, डायमंड FF टोकन में कन्वर्ट नहीं होता है, तो आपको डायमंड जितनी बार मिलता है उतनी बार आपको डायमंड मिलता जाएगा, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई एक ना एक आइटम वापस आती है तो वो FF टोकन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ जो FF टोकन के अंदर कन्वर्ट नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इसके अंदर डायमंड कन्वर्ट नहीं होगे, वाउचर मतलब कि वाउचर कन्वर्ट नहीं होगे, और यहाँ पर जो बस ये 3 चीज़ें कन्वर्ट नहीं होगी और जो बाकी सारे आइटम्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगे FF टोकन के अंदर। अगर आपको ये 3 चीज़ें मिलती है तो आपका कन्वर्ट नहीं होगा। तो गाइस, आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा हो, थोड़ा सा हिचकिचाहट के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है क्योंकि यार मेरी तबीयत थोड़ी सी लथड़ गई है। तो वीडियो लगाओ, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और गाइस, मिलेगा अगले नए वीडियो में नए टॉपिक से, नए इसके साथ। तब तक के लिए अलविदा।